कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद गत हृय गत लज्जा सत्य तस्य श्री कृष्णस्य कैशोर बालय बाल्य जानी प्रिय कर्माणि। श्री कृष्ण के जो भी कैशोर और बाल्य अवस्था में किए गए कर्म थे उनको गाने लगे। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, कैशोरस्य आदौ उक्तिः तत्र रासादिक क्रीड़ा विशेषापेक्षया। किशोर अवस्था की लीलाओं को अधिक गा रहे थे, रासादी लीलाओं को, और बाल लीला भी गा रहे थे। बाल्यम आरभ्य कृष्ण की बाल लीलाओं को गा रही हैं, इससे सिद्ध हुआ कि बाल्यम आरभ्य तस्मिन तासाम प्रेम निरुपाधिक न तो कैशोर कामोपाधिक भाव। कृष्ण के बचपन में की गई लीलाओं के प्रति वो इतना आकृष्ट है, उसको गा रही हैं, तो निश्चित हो गया कि उनका प्रेम कम उपाधिक नहीं। अगर काम के उपाधि से ग्रस्त प्रेम होता तो कृष्ण के युवावस्था के ही चेष्टाओं को गाती, बचपन की लीलाओं को नहीं गाती, क्योंकि वह इस उज्जवल रस में विरसता पैदा करेगा। कोई प्रेमिका अपने प्रिय के लीलाओं को गाने लगे कि वो बचपन में नंग घूमते थे, ये करते थे, तो ये कोई रस है। लेकिन गोपियों का प्रेम निरुपाधिक था और किसी अवस्था विशेष पर डिपेंड नहीं था कृष्ण के। उनका प्रेम कृष्ण से था, न कि काम से। इसीलिए यह वास्तव में उज्ज्वल रस है, उज्ज्वल निर्मणि। तो कृष्ण के लीलाओं को संस्मृत संस्मृत मुहुः मुहुः स्मृत्वा निरंतर स्मरण करके गायन्त्य गाती थी और रुदन्त्यश्च गायन्त्योपि बभूव रुदन्त्यश्च बभूवित्य जद्वा रुदत्यो मुहुरिति। गाती जाती थी, रोती जाती थी, फिर रोती थी, गाती थी और चकार से मुमुह मूर्छित होकर गिर पड़ती थी। उद्धव जी के सामने ये दशा हो रही थी। लाल तिहारे विरह की अग्नि अनूप अपार सरसे बरसे नीरहू मिटे न झरहू झार। हे लाल, हे श्री कृष्ण, आपके विरह की अग्नि अद्भुत है। विरह की अग्नि उस नायिका में लगी है, गोपी में, कि अद्भुत विरहाग्नि है कि विरह की आग लगने पर वर्षा होने लगती है। भीतर हृदय में आग लगी है तो आंख से वर्षा हो रही है। वर्ष है, सरस है, नीर, आग लगी है तो नीर बरस रहा है, जल बरस रहा है आंख से, और भारी वर्षा हो रही है, झड़ी लगी है वर्षा की, पर मिटे न झरहू झार। लेकिन उस भयंकर वर्षा से भी अग्नि बुझती नहीं। तो दो दो अद्भुत बातें हो गई। एक तो आग लगने से बहुत जोर की वर्षा चालू हो रही है, आग से ही वर्षा हो रही है, और फिर भी आग बुझ नहीं रही और बढ़ती जा रही है। ये अद्भुत बात है। दिव्य नेत्रों से, मानस नेत्रों से सुखदेव गोस्वामी गोपियों की विरह विकल अवस्था को अपने मन में संजोए हुए। मोरों की बोली सुनकर सामने ही आए हुए मोरों से कहने लगे, फिर अपने सखियों से कहती है, सखी ये मोर भी हमारे बैर पड़ गए। और उद्धव जी ये सब सुन रहे हैं। हमारे माई मोर उबैर परे, हमारे माई मोर उबैर परे, हमारे माई मोर उबैर परे, घन गरजे बरजे नहीं मानत, घन गरजे बरजे नहीं मानत,
घन गरजे बरजे नहीं मानत घन गरजे त्यों त्यों रटत खरे हमारे माई मोर बैर परे हमारे माई मोर बैर परे। जैसे जैसे बादल गरजते हैं ये बादल भी मानते नहीं हैं, ये गरजते ही रहते हैं और उसके अनुसार मोर भी रटत खरे ये भी कूकने लगते हैं। जैसे जैसे बादल गरजते हैं तो ये भी कूकने लगते हैं, हमको सब जला रहे हैं। ये मोरम बैर पर जिनको हमारे प्रियतम ने इतना आदर दिया है और वही आज हमारे दुश्मन हो गए, हमारे बैरी हो गए। हमारे माई मोर बैर परे करी इक ठौर बीन इनके पंख करी इक ठौर बीन इनके पंख मोहन शीश धरे मोहन शीश धरे। ये क्या इतने ढीठ हो गए हैं कि इनके त्यागे हुए पंख को हमारे नीलमणि श्याम सुंदर अपने हाथ से बीन करके और इतना आदर किए कि अपने सिर पर चढ़ा ली तो सचमुच सिर पर चढ़ गए। इनके त्यागे हुए पंख को जिसको त्यक्त कर दिया मतलब छोड़ दिए अनुपयोगी पंख को वे बीन निज कर अपने कर करिए कठोर बीन इनके पंख, इनके पंख बीन कर जगह जगह से इकट्ठा करके और मोहन शीश धरे। इसे सिद्ध होता है कि भगवान एक ही मोरपंख नहीं लगाते थे, कभी कभी बहुत मोरपंख लगाते थे। इनके पंख बीनी एक ठौर करके एक जगह बांध करके और उसको शीश धरे मतलब शीश में मुकुट बना करके लगाते करी एक ठौर बीन इनके पंख मोहन शीश धरे मोहन शीश धरे या ही ते हम ही को मारत हम ही को मारत हरि ही ढीठ करे हरि ही ढीठ करे हमारे माई मोर बैर परे हमारे माई हमारे माई मोर बैर परे हमारे माई मोर बैर परे। तो इनके पंखों को बीन कर चुन कर और उसका मुकुट बनाकर मोहन अपने शीर्ष पर धारण किए इसी से ये हमको मार रहे हैं। इनको बहुत गर्व हो गया है कि हम बहुत बड़े हैं। जिनके चरण धूलि को ब्रह्मा शिव आज धारण करते हैं और वे कृष्ण इनके पंख को त्यागे हुए पंख को जब शीश पर धारण करते हैं तो इन लोगों का अभिमान बढ़ गया है, बहुत अपने को बड़ा मान लिया। वास्तव में कृष्ण ने इनको ढीठ बना दिया, हरि ही ढीठ करे हरि ने ढीठ किया। तो वे बेचारे कहां जाए, क्या उड़कर मथुरा चले जाए। तुम लोगों को दुख हो रहा है तो हो बेचारे क्या करें, हर ही ढीठ करे यही पे हम ही को मारत। और हरि ने ढीठ किया है मतलब वो जब गए मथुरा तो इन लोगों को कह कर गए कि गोपियों के सामने खूब पंख फैला कर नाचना जिससे वे मर, जैसे वे अपने विरह में हम लोग मार रहे हैं तो अपने स्वजनों को मोर आदि को भी लगा कर गए कि तुम लोग खूब दुख देना।
कह जानिए कवन गुण सखी रे, कह जानिए कवन गुण सखी रे, कह जानिए कवन गुण सखी रे, कह जानिए। हम सरहत रे, हम सरहत रे, सूरदास परदेश बसत हरि, सूरदास परदेश बसत हरि, सूरदास परदेश बसत हरि, सूरदास ये बनते न तेरे हमारे माई मोरवर पर, हमारे माई मोरवर पर। ये कौन गुण सखी रे हमसो रहत आरे, तो ये कहीं है कि कृष्ण ने इनके पंख को सिर पर धारण कर लिया, बस इसी से बड़े हो, और कोई गुण इनमें नहीं है। और हरि परदेश रह रहे, मथुरा में रह रहे, और ये इस वन से टर नहीं रहे, यहीं पर अड़े हुए यहीं रह रहे। कह जानिए कवन गुण सखी रे, कह जानिए कवन गुण सखी रे, हम सौ रहत यरे, हम सौ रहत यरे, सूरदास परदेश बसत हरि, सूरदास परदेश बसत हरि, ये बनते न तरे, ये बनते न तरे, परे हमारे माई मोर। हमसे बैर बांध लिए हैं, बेचारे मोर काहे को बैर बांधने जाए, लेकिन कृष्ण के विरह में सब कुछ दुख देने वाला लग रहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस पर लिखा है, मोर में मयूर में सब दुर्गुण है, लेकिन फिर भी भगवान कृष्ण ने जब इनके पंख को सिर पर धारण किया तो इसी से सब लोग मोर को मोर कहने लगे। तन विचित्र कायर बचन अहि आहार बन घोर, तुलसी हरि भय पक्ष धर ताते करे सब मोर। जब भगवान पक्षधर हो गए इसलिए सब लोग मोर को मोर कहने लगे, नहीं तो मोर क्या है, तन विचित्र है, विचित्र शरीर है, कहीं उजला है कहीं नीला है कहीं कुछ है, अच्छा नहीं, नहीं एक तरह का शरीर अच्छा लगता है। तो तन विचित्र और कायर वचन, और शरीर ऐसा है पंख है लेकिन बेकार है, बहुत ज्यादा उड़ नहीं सकता है मोर, कहने के लिए पक्षी है लेकिन ज्यादा जमीन पर ही चलता है, आकाश में बहुत कम उड़ता है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहने का अर्थ है कि उसका शरीर बेकार, तन विचित्र कायर वचन, और वचन बोलता है तो कायर जैसा बोलता है, डर करके बोलता है, आप थोड़ी सी आवाज कीजिए तो के करने लगते हैं, है ना, सुना गया कोई बच्चा पटाखा भी फोड़ता है वृंदावन में तो सब के करने लगते हैं, कायर वचन। और अही आहार, और भोजन क्या है, सांप, सांप को मयूर खा जाते, और आवास वन, तो वन में घर है, भोजन सांप है, बच्चन बिल्कुल कायर का है, डरपोक है वो पक्षी बहुत, और शरीर बिना काम का है, विचित्र लगता है, कोढ़ हो गया है, लेकिन तुलसी हरि भय पक्ष धर, लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं हरि जब पक्ष ले लिए, पंख ले लिए, इसीलिए इस पक्षी को सब लोग मोर मोर कहते हैं, मेरा मेरा मेरा।
अंत प्रिय कर्माणी रुदत्यश्च गतहरियः तस्य संस्मृत संस्मृत यानी किशोर बालय। तो भगवान की बाल लीलाएं और किशोर अवस्था की लीलाओं को गाने लगी, रोने लगी, मतलब विलाप करने लगी और मूर्छित होकर के गिर जाती थी। तो यहां से कुछ सूरदास जी के पद और भी भक्तों के पद हैं, उनको हम लोग थोड़ा थोड़ा गाएंगे, क्योंकि गायन तो अप्रिय कर्माणि प्रिय के कर्मों को या प्रिय कर्मों को असुर बद्धादि कर्म नहीं, प्रिय कर्म जो गोपियों के साथ भगवान ने प्रेम किया था वो कर्म गाने लगी। तस्य श्री कृष्ण से गत है लाज छोड़कर जो पै को मधुबन ले जाए, जो पै को मधुबन ले जाए, जो पै को मधुबन ले जाए, जो पै को मधुबन ले जाए। कोई गोपी हाथ में पत्र जो लिखी है कृष्ण के लिए पत्र देने के लिए उद्यत, अरे यदि कोई मधुबन जा रहा हो तो मेरा पत्र ले जाओ। पतिया लिखी श्याम सुंदर को, मैं पत्र लिखी हूँ श्याम सुंदर के लिए, लिख करके रखी हूँ, कोई ले नहीं जाता है, कोई ले जाएगा तो मैं अपने हाथ का कंकड़ दूंगी उसको इनाम, सोने का कंकड़ लगाई हूँ, ये पत्र ले जाने के लिए मैं दूंगी, कोई है ले जाओ मेरा पत्र ले जाओ। जो पै को मधुबन ले जाए, जो पै को मधुबन ले जाए, जो पै को मधुबन ले जाए, जो पै को मधुबन ले जाए। पतिया लिखी श्याम सुंदर को, पतिया लिखी श्याम सुंदर को, कंगन देऊं कर कंगन देऊं जाए, कंगन जो पे को मधुबन ले जाए, जो पे अब वह प्रीति कहाँ गई माधव, वह प्रीति कहाँ गई माधव, अब वह प्रीति कहाँ गई माधव, प्रीति कहाँ गई माधव, मिलते बेनु बजाए, हे माधव, हे कृष्ण, आप कितना प्रेम करते थे हम लोगों से, आपकी वह प्रीति आपका वह प्रेम कहाँ चला गया, कैसे आपका हृदय बदल गया। मिलते वेणु बजाए, आप हम लोगों के लिए बांसुरी बजाते थे, बांसुरी बजाते बजाते मिलते थे, मिलते वेणु बजाए, वेणु बजाते हुए मिलने का अर्थ ये है कि आप कुछ भी संकोच नहीं करते थे, बांसुरी बजाते हुए आकर के गलवाही दे देते थे, मिल लेते थे अखबार में, आपका वह प्रेम कहाँ चला गया प्रियतम। अब वह प्रीति कहाँ गई माधव, मिलते बेनु बजाए, नयन नीर सा रंग रिपु भीजे दुख सोरैन बिहार, नयन नीर सा रंग रिपु भीजे दुख सोरैन बिहार, नयन नीर सा रंग रिपु भीजे दुख सोरैन बिहार, के नीर से सारंग रिपु भींज रहा है, मतलब चंद्रमा भींज रहा है, हमारा मुख ही चंद्र है, यह भाव है।
भगवान हमेशा गोपियों का वर्णन करते समय चंद्रमुखी कहा करते थे, तो नयन के नीर से चंद्रमा भींग रहा है, हमारा मुख चंद्र भींग रहा है, और दुखते रैन बिहाय, दुखसो रैन बिहाय, हमारी रात अति दुख से बीतती है। हे माधव, आपका वह प्रेम कहाँ चला गया? अब वह प्रीति कहाँ गई, माधव मिलते बेनु बजाय। वह प्रीति कहाँ गई, माधव मिलते नैन नीर सारंग रिपु भींजय, दुख सो रैन बिहाय। यह क्या कारण है कि कह रहे हैं कि रात दुख से बीतती है? दिन भी तो उसी दुख से बीत रहा है, परंतु गोपियों के जीवन में दिन तो हमेशा इनका दुख से बीता था। जब कृष्ण ब्रज में थे तब भी दुख से ही बीतता था दिन, तो दिन को दुख से बिताते बिताते भी अभ्यस्त हो गए थे, लेकिन जब संध्या होती थी और भगवान वन से लौटते थे तो उस समय सुख मिलता था, और रात्रि में रास विहार आदि होते थे, इसलिए रात्रि विशेष दुखदायिनी हो गई है कृष्ण के विरह। कृष्ण से मिलन की जो भी लीला होती थी, इसलिए अब रात्रि विशेष दुखदायिनी हो रही है, दुख सो रैन बिहार। और जिन घरों में भगवान आकर माखन चोरी किए थे, बहुत सी लीला किए थे, वे घर अथवा कुंज भवन ये सब शून्य लग रहे हैं, और डरा रहे हैं, उसे भय लग रहा है, कोई भी ऋतु मन में अच्छी नहीं लगती है। फिर सुग्रा जी कहते हैं, मतलब गोपियां कहती हैं कि हे प्रियतम, जब समय चला जाएगा तो आप आ करके क्या लाभ प्राप्त करेंगे? जब इसी तरह विरह में हम मर जाएंगे तब आप आ करके आपको क्या लाभ होगा, आप क्या पाएंगे? शून्य भवन मोहि खरो डरावे, शून्य भवन मोहि खरो डरावे, यह ऋतु मन न सुहाय, सूरदास यह समो गए ते पुन कहलै है आय, सूरदास समय बीत जाएगा, हमारे सही विरह में मर जाएंगी, तो आप उस समय आकर क्या करेंगे? इस तरह उद्धव जी के सामने गोपियां विलाप कर रही। यदि कृष्ण हमारे चरण में मेहंदी नहीं लगाए होते, यदि वे जावक या महावर नहीं लगाए होते, तो आज मुझे इतना अफसोस नहीं होता। जब यही करना था तो उस समय इतना क्यों प्रेम किए? परेखो का अर्थ है मलाल, यही अफसोस हो रहा है। श्याम को यह ये परेखो आवे, श्याम को यह ये परेखो आवे। अथवा कृष्ण के विषय में ये कहीं अफसोस है कि जब ब्रज में थे तो राधिका के चरण में महावर लगाते थे, और अब बहुत बड़ा अफसोस हम लोगों को ये हो रहा है कि राधा को छोड़ करके उनको कुब्जा मन में भाग गई, उनके लिए बहुत भारी अफसोस हो रहा है। श्याम को यह ये परेखो आवे, श्याम को कत वह प्रीति चरण जावक कृत, कत वह प्रीति अब कुबजा मन भावे। बहुत बड़ा अफसोस हो रहा है। दोनों में से या तो चरण में महावर नहीं दिए होते, या कुबजा से प्रेम नहीं किए होते। जब कुब्जा से प्रेम करना था तो चरण में इस तरह से महावर क्यों लाया, क्यों इतनी सेवा की?
कतव प्रीति चरण जावत, कहां इस तरह का प्रेम जो अपनी प्रेमिका के चरण की सेवा। अशुपाद संवाहन भी भगवान करते थे, देखो दुरो वह कुंज कुटीर में बैठी पलोटत राधिका पाए। तो चरण में मेहंदी लगाना उसको जावक कहते हैं, संस्कृत में यावक शब्द, और ऐसे प्रसिद्ध शब्द है महावर, बुलाते थे वन में। और आज इतना भूल गए, और एक दिन नंद बाबा को जल में जाकर वरुण लोक में जाकर के छुड़ाए थे, और आज नंद बाबा को ऐसे भूल गए, एक दर्शन भी नहीं देते, ऐसा दिन बदल गया। कत तब कत पानी धरो गोबर धन, तब कत पानी, तब कत पानी धरो गोबर धन, तब कत पानी, कत ब्रजपति ही छुड़ावे, कत ब्रजपति ही छुड़ावे, कत वह बेलो अधर मोहन धरी, 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 लय लय नाम बुलावे, श्याम को यह परे खोयावे, श्याम को यह परे खोयावे। यही है प्रिय के कर्मों का स्मरण, प्रिय कर्मों का। अब गोवर्धन धारण की लीला याद आ रही है, हमारे प्रियतम कितना स्नेह करते थे हम लोगों से, ब्रजवासियों सबसे, कि विशाल पर्वत 7 दिन 7 रात बिना खाए पिए उठाए रहे। कहां वह प्रेम, और ब्रजपति के प्रति प्रेम ऐसा कि जाकर उनको छुड़ा लाए, वरुण लोक जाकर छुड़ा लाए। तो पिता से इतना प्रेम था तब ना, तो आज उनका हृदय कैसे इतना बदल गया। और कहां वह स्वभाव कि अपने अधर पर वेणु धारण करके लय लय नाम बुलावे, हमारा नाम ले ले करके बुलाते थे, लोक में संकोच भी नहीं करते थे। बांसुरी में नाम बुलाने का अर्थ है कि दूसरे लोग भी तो सुनते होंगे, यदि भगवान हे राधी के बुलाते होंगे तो दूसरे लोग भी तो सुनते होंगे। गोपियों के कहने का आशय है कि एकदम इतना प्रेम था कि लोक संकोच भी नहीं जानते थे, और आज इतना उदासीन हो गए, बहुत हृदय में दुख रह गया। तो एक दिन वैसा स्वभाव था, आज रूप भी नहीं दिखा रहे। तब कत लाड़ लड़ाई लड़ते, कब कत लाड़ लड़ते, हंसी हंसी कंठ लगावे, हंसी हंसी कंठ, अब वह रूप अनूप कृपा करी, अब वह रूप करी, मैं नन हूँ न दिखावे, मैं नन हूँ न दिखावे। कहा वह दिन था, प्रियतम हमसे कितना प्रेम करते थे, थोड़ा भी रूठने पर मनाते थे, पैरों में गिर कर अपने हाथ से पान खिलाते थे और श्रृंगार करते थे, सोलह इतना प्यार करते थे, और हंस हंस कर कंठ लगा लेते थे, और आज अपने रूप को हमारे आंखों को भी नहीं दिखा रहे। अब वह रूप अनूप कृपा करी, अब वह रूप नैनन हूँ न दिखावे, नैनन हूँ न दिखावे। फिर याद कर रहे हैं कि वही मुख प्रियतम का, जिस मुख के पास हम अपना मुख रख करके कितनी धीमे धीमे बातें करती थी,
और वे हमारा चुंबन करते थे, हम उनका चुंबन करते थे, गलवाहें देकर इतना निकट से वन में घूमते थे, विहार करते थे, और उसी मुख से आज वे योग का उपदेश कर रहे हैं। जा मुख संग समीप रहन दिन, जा मुख संग समीप, जा मुख संग समीप रहन दिन, जा मुख संग सोयब जोग सिखावे, सोयब जोग सिखावे, जिन मुख दये अमृत रसना भरी, जिन मुख दये भरी सो कैसे विष प्यावे, सो कैसे विष प्यावे। क्या कोई व्यक्ति किसी अपने प्रिय को अमृत का कटोरी पिलाया हो, जैसे माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, अमृत कोई पीने के लिए दे अपने प्रेमी को, क्या अपने उन्हीं हाथों से कोई विष पीने को देगा? यह योग का संदेश हमारे लिए विष है। जिन मुख दय अमृत रसना भरी, जिस मुख से वे अमृत दिए रसना भरी, रसना से भर कर, मतलब बोलते थे प्रेम से, प्रिया कहते थे, प्राण प्यारी कहते थे, सब कहते थे, और आज विष जैसा उपदेश भेज रहे हैं योग करने के लिए, तो वो कैसे भेज सकते हैं? इस पर एक वितर्क है, प्रश्न है कि यह हमारे प्रियतम का संदेश नहीं हो सकता, विश्वास नहीं है कि वे ऐसी बात कह सकते। यह तो कुब्जा का पत्र है तुम लेकर के आए, कृष्ण का दस्तखत करना सीख गई है, हस्ताक्षर करना सीख गई, और कुब्जा वास्तव में चाहते थे कृष्ण भूल जाए ब्रज को, वो जानते थे कि अगर ब्रज की याद आएगी विश्वेश्वर के राधिका की तो ये तो चले जाएंगे यहां से, लेकिन वो बेचारी पत्र नहीं भेजते। कुब्जा से भगवान परामर्श भी नहीं लिए थे, कुब्जा से तो केवल एक बार भेंट हुई थी भगवान की, लेकिन गोपियां इस तरह से कल्पना कर रही हैं कि यह कुब्जा का भेजा हुआ पत्र है, इसलिए जो हम लोगों को सिखवा रहे हैं कि लोग कृष्ण को भूल जाए तो कृष्ण मथुरा में रह जाएंगे, नहीं तो उनके प्रेम में आकर्षित होकर चले जाएंगे। तो ये कहने कैसे वो कृष्ण ये विष पिला सकते हैं, जो रसना से भर भर करके अमृत पिलाए हैं हम लोगों को, इतनी सुंदर बात बोले हैं, वे विष पिलाएं, इतना कठोर वचन वे कहेंगे योग करने के लिए, क्या हम लोगों को साड़ी उतार कर कहेंगे मृग छल धारण करने के लिए? जिस शरीर पर वे स्वयं ही तेल लगाए हैं, हमारे केशों का श्रृंगार किए हैं, उन केशों को जटा बनाने के लिए कहेंगे, या इस शरीर पर वे राख घसने के लिए कहेंगे? ऐसा हो ही नहीं सकता, ये सब कुब्जा की चाल है, कान की पढ़ाई कविताई कुबरी की है। रत्नाकर जी लिखते हैं कि कान की पढ़ाई, कान कृष्ण ने कुब्जा को सिखाया होगा कि अगर तुम इस तरह की व्यवस्था करो, बहुत चतुर है कृष्ण और कुब्जा मिलकर किए हैं, लेकिन ये पत्र जो है कुब्जा का है, कृष्ण का नहीं है, वो ऐसा विष नहीं दे सकते। तो आज इस पत्र को लेकर, मतलब योग के संदेश को लेकर के हम रो रहे हैं। कर्मी रति पछतात हियो भरि, क्रम क्रम मन समझावे, सूरदास यही भांति बिजोगनी ताते अति दुख पावे। तो इस तरह से क्रम क्रम से कृष्ण की लीलाओं की याद करती है और मन को कुछ समझा रही है, परंतु इन सब कारणों से बिजोगिनी अधिक दुखी है। किन कारणों से? कृष्ण ने पहले इतना प्रेम किया था, इसलिए जल रही है। कर्मीणति पछतात हियो भरि, कर्मीणति पछतात हियो भरि, क्रम क्रम मन समझावे, क्रम क्रम मन समझावे,
सूरदास यही भांति वियोगिनी सूरदास ताते अति दुख पावे ताते अति दुख पावे अति दुख पावे। इस कृष्ण ने अति प्रेम किया था इसलिए अब यहाँ वियोग में अति दुख हो रहा है। एक लौकिका है इसलिए कब क्या गाने लगेगी कब क्या बोलेगी कोई ठीक नहीं है। कभी विरह के पद कभी मिलन के पद कोई गोपी गाने लगी। नंद को नवेलो बेलो छल रंग भरो नंद को नवेलो बेलो छल रंग भरो नंद को नवेलो अल बेलो छल रंग भरो नंद को काली मेरे द्वार है के गावत ही ते गयो मेरे द्वार है के गावत ही ते गयो काली मेरे द्वार है के गावत ही ते गयो काली मेरे द्वार है के गावत ही बड़े बाके नैन महा शोभा के सुहन आली बड़े बाके नैन शोभा के सुहन आली मृदु मूस क्या मूरी मोतन चित गयो तब तेन मेरे चित चन कहूँ रंच को है तब तेन मेरे चित चन कहूँ रंच को है धीर जान धर सोन जान धौकी ते गयो धीर जान धर सोन कुही में मेरो कछु मपना रहन पायो ने कही में मेरो कछु औच कही आय भटु लूट से बीत गयो औच कही आय भटु लूट से बीत फिर कोई गोपी विलाप करने लगी भारतेंदु जी के शब्दों में छाड़ी कुल तेरी चेरी भाई चाह भरी छाड़ी कुल छाड़ी कुल बेद तेरी चेरी भाई चाह भरी छाड़ी कुल बेद तेरी चेरी भाई चाह भरी चाह का अर्थ प्रेम होता है। चाह भरी मतलब प्रेम भरी आपके प्रेम से मैं भरी हूँ अविष्ट हूँ और कुल बेद धर्म सब छोड़ करके आपकी दासी बन गई। गुरु जन परिजन लोक लाज न सिंह गुरु जन परिजन लोक लाज न सिंह हाँ मैंने मैं गुरु जन परिजन लोक लाज न सिंह गुरु जन परिजन चात की त्रिशित तुव रूप सुध है तनित चात की त्रिशित तुव सुध है तनित पल पल दुसह वियोग दुख गसी हम पल पल दुसह वियोग दुख गसी हरिचंदर कब्रत नेम प्रेम ही कोलीनो हरिचंदर कब्रत नेम प्रेम ही कोलीनो
रूप कीर्ति हरे ब्रज भूप हाँ उपासी हाँ रूप कीर्ति हरे ब्रज भूप हाँ उपासी जाय लय रे प्राण बचाय लय लगाय कंठ जाय लय रे प्राण जाय लय रे प्राण बचाय लय लगाय कंठ जाय लय रे प्राण बचाय रे नंद लाल तेरी मोल लई दासी हाँ नंद लाल तेरी मोल लई दासी तेरे नंद लाल तेरी मोल लई दासी हाँ नंद लाल तेरी मोल लई दासी हे नंदलाल मैं आपकी मोल खरीदी गई दासी हूँ आप आइए और हमें कंठ लगाकर हमको जिला लीजिए नहीं तो मैं मरने वाली सदा व्याकुल ही रहे आप बिना इनको हूँ कछु कही जाइए तो सदा व्याकुल ही रहे आप बिना कछु कृपया कहते हमसे मत मिलिए प्रियतम लेकिन हमारी आंख को धीरज बंधा कर जाइए एक बार आ जाएंगे ये देख लेंगी तो इनके लिए सहारा हो जाएगा सदा व्याकुल ही रहे आप बिना सदा व्याकुल ही रहे आप इनको हूँ कछु कही जाइए तो इनको हूँ कछु कही जाइए एक बार हूँ तो ही न देखो कभू एक बार हूँ तो ही न तिनको मुख चंद दिखाइए तो इनको मुख चंद दिखाइए हरिचंद जो ये अखिया नित की है वियोगी इन्हें समझाइए तो हैं वियोगी इन्हें समझाइए तो दुखियान को प्रीतम प्यार कब दुखियान को प्रीतम प्यार बहराई के धीर धराइए तो बहराई के रोमे सदा नित की दुखिया बनिए अखिया जेहि दोस सलागी रूप दिखावो इन्हें कब हूँ हरिचंद जो जानी महायन रागी मानी है और सो नहीं ये तू रंग रंगी कुल लाजहिं त्यागी आसुन को अपने अचरान सो लालन पोछी करो बड़ भागी हे प्रियतम वह दिन कब आएगा कि आप अपने पीताम्बर के आंचल से आंखों के आंसू को पोछ कर इनको बड़ भागी करेंगे भगवान से अपेक्षा है कि वे अपने पीताम्बर के छोर से हमारे आंसू पोछ आकर आंसुन को अपने आचरण सो लालन पोछ करो बड़ भागी आप कभी भी नहीं आए मथुरा जाने के बाद इसलिए आंखें नित्य ही उपवास कर रही हैं इनको कुछ खाने को नहीं मिला मतलब आपका रूप सुधा है इनका आहार तो आप आइए आइए आपके बिना प्रेम का आंसू कौन निवारण कर सकता है
घर बाहर के न को काम कछु नहीं को यह रार निवार सके। हरिचंद जुजो बिगरी बदिके तिन कौन है जौन सवारी सके। समुझाई प्रबोधिक नीति कथा इन्हें धीरज को गुन पारी सके। तुम्हारे बिनु लालन कौन है जो यह प्रेम के आंसू निवारी सके। तुम्हारे बिनु लालन कौन है जो यह प्रेम के आंसू निवारी सके। कोई सखी दूसरे सखी से कहने लगी, अरे सखी प्रियतम ब्रज में फिर से नहीं आए, इसके पीछे क्या रहस्य है मैं बता रही। यही डर बहुरीन गोकुल आए, यही डर बहुरीन गोकुल आए, यही डर बहुरीन गोकुल आए, यही डर बहुरीन गोकुल आए। सुनरी सखी हमारी करनी, सुनरी सखी हमारी करनी, समझी मधुपुरी छाए, समझी मधुपुरी छाए। हमारी करनी जो थी यहाँ पर उसकी याद करके वे नहीं आ रहे हैं और नहीं आएंगे। क्या करनी थी? पहले तो उनको मन भरकर नींद नहीं मिली ब्रज में, अर्धरात्रि के समय ही लड़के आकर के उनको जगा देते थे, चलो चलो कन्हैया वन में, चलो वृंदावन में, चलो गाय चराने, आधी रात को ही आ जाते थे। तो बच्चे इतने प्यासे होते थे कृष्ण के साथ खेलने के लिए कि वास्तव में आधी रात को आ जाते थे। उनको नींद नहीं सुहाती थी, अपने घर में रहना अच्छा नहीं लगता था, सोचते थे कब कृष्ण के साथ हो जाए, कृष्ण के साथ हो जाए। तो गोपियां आज अनुमान कर रही हैं कि इसी कारण से जिसको नींद भी अच्छा नहीं मिल पाए जिस स्थान पर, तो उस स्थान पर जाने का नाम लेगा। और चलो एक दो दिन भले कोई अर्धरात्रि को जगा दे, रोज रोज वही चलो 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 चलो, भोर हो गया गाय चराने चलो गाय, अर्धरात्रि के समय ही लड़के आकर के उनको जगा देते थे, चलो चलो कन्हैया वन में, चलो वृंदावन में, चलो गाय चराने, आधी रात को ही आ जाते। तो बच्चे इतने प्यासे होते थे कृष्ण के साथ खेलने के लिए कि वास्तव में आधी रात को आ जाते थे। उनको नींद नहीं सुहाती थी, अपने घर में रहना अच्छा नहीं लगता था, सोचते थे कब कृष्ण के साथ हो जाए, कृष्ण के साथ हो जाए। तो गोपियां आज अनुमान कर रही हैं इसी कारण से जिसको नींद भी अच्छा नहीं मिल पाए जिस स्थान पर, तो उस स्थान पर जाने का नाम लेगा। और चलो एक दो दिन भले कोई अर्धरात्रि को जगा दे, रोज रोज वही चलो 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 चलो, भोर हो गया गाय चराने चलो गाय चराने चलो। यद्यपि भगवान को उससे आनंद मिलता था और वो जग जाते थे, लेकिन गोपियां आज कह रही हैं इस बात को। अधरातिक ते उठी बालक सब, अधरातिक ते उठी बालक, मोही जगई है आए, मोही जगई है पद प्राण, बहुरी पठवेगी बनही चरावन गाय, बिन पद प्राण बहुरी पठवेगी बनही चरावन गाय। वे प्रियतम आना भी चाहते होंगे तो ये डर करके नहीं आते होंगे, यदि मैं जाऊंगा तो फिर आधी रात को ही उठना पड़ेगा। चलो भी आधा रात को उठ करके चलो कहीं आराम करें, कुछ पढ़ें लिखें, वह नहीं, बस बिना जूता के बिना पदत्राण के वो हमको भेजेंगी गाय चराने के। अधरातिक ते उठ बालक सब, मोही जगई है आए,
बिनु पद त्राण बहुरी पठवेगी बन ही चरावन गाय। गाय चराने के लिए हमको लोग भेजेंगे, हमारा कोई आदर ब्रज में नहीं हुआ। सखी, हम लोगों ने कृष्ण को बहुत दुख दिया था, उतने कोमल चरण वाले कृष्ण को हम लोग गाय चराने के लिए भेज देती थी। तो मन में अब अफसोस हो रहा है। और एक बहुत ही मीठा व्यंग भी है तुलसीदास जी, सूरदास जी कविता। मीठा व्यंग ये है कि अब राजा हो गए हैं, अब क्या गाय चराएंगे। अगर गाय चराना तो बहुत छोटे लोगों का काम है। और बैन इस तरह से कि अब ऐसा नहीं करेंगे, अब उनको गाय चराने को नहीं कहेंगे। वास्तव में वे उद्धव जी को सुना रही, और क्या क्या दुख है और क्या क्या दिक्कत होता था कृष्ण को ब्रज में, जैसे गोपियां ऐसे कल्पना कर रही है। सुनो भवन आनी रोकेगी, सुनो भवन आनी रोकेगी, चोरत दधि नवनीत, चोरत दधि नवनीत, पकड़ी जसोदा पहले जई है, पकड़ी जसोदा पहले जई, नाचत गावत गीत, नाचत गावत गीत। कृष्ण इसलिए नहीं आ रहे हैं कि वे सोचते हैं कि सुने भवन में, जब गोपियां घर में नहीं रहती हैं, तो उस समय मैं चोरी से जाता हूँ खाने के लिए दधि और नवनीत। बेचारा कभी रुपया पैसा कपड़ा नहीं चुराए, केवल खाने के लिए। अरे भूख लगी है बच्चा को, तभी तो खाने के लिए चुराया। तो भूख लगने पर सुने घर में जब मैं जाऊंगा और चुरा करके दधि और मक्खन खाऊंगा, तो बहुत बहुत तरह से हमको डांटेंगी, मारने की धमकी देंगे और पकड़ करके मेरे माँ के पास फिर ले जाएंगे। इसका अर्थ है प्रतिदिन यह लीला ब्रज में थी। पकड़ जसोदा तय ले जाई, नाचत गावत गीत, और नाचते हुए गाते हुए जाएंगे, अथवा मुझको नचाते गवाते हुए जाते हैं। तो ये दुख कौन सहे जाकर के ब्रज में, यही डर बहुरी न गोकुल आए, इसी डर से नहीं आए। इसमें एक और भी ध्वनि है कि यदि ये लीलाएं कृष्ण से कही जाए तो मथुरा छोड़कर आ जाएंगे। तो एक ही शब्द के कई अर्थ होते, कई ध्वनि होते। अर्थ तो इसका डायरेक्ट दूसरा होगा, लेकिन ध्वनि इसमें है कि हमारे प्रियतम कब आएंगे, कब हम उनको रोकेंगे माखन खाने से, कब हम उनको नचाएंगे, कब माँ यशोदा के पास पकड़ कर ले जाएंगे। यह भाव है। यदि कृष्ण को इससे दुख होता गोपियों के पकड़ने से, माखन के चोरी का कलंक लगाने से, तो एक बार में ही में छोड़ दिए होते। उनको इसका दुख नहीं था, यह सुख था कि गोपियां उनको चोर कहती थी या डांटती थी, माँ जसोदा के पास ले जाती थी। तो माँ जसोदा के पास क्यों पकड़ कर ले जाती थी, इसलिए कि वहां पर वो कृष्ण के अपनी रक्षा के लिए बोले गए झूठ वचन को सुनना चाहती थी। इतना ढंग से बोलते थे। एक दिन की बात थी, पकड़कर एक गोपी कृष्ण को ले जा रही थी जसोदा के पास। तब तक उसके घर में ही उस गोपी का एक बच्चा था, उसकी बाह पकड़ लिए कृष्ण, उसको लेकर चलने लगे। और गोपी से कहते हैं, अरे गोपी मेरी कोमल कलाई थक गई है, दुख रहा है, इसको छोड़ करके ये हाथ पकड़ लो। तो उसने सोचा कोई भी हाथ पकड़े, दाया पकड़े चाहे बाया पकड़े, तो कृष्ण उसी के बेटा के हाथ पकड़ और वो अब लेते गए। बच्चा रो नहीं रहा था, जानते था हमारी माँ ले जा रही है। ले जाए कही माँ जसोदा, तुम्हारा बच्चा इतना उत्पात किया, ये किया, ये किया, ऐसे किया, ऐसे किया। माँ जसोदा ध्यान से देखने लगी, ये लड़का गोरा है, हमारा लड़का तो सांवला है। माँ ध्यान से देखने लगी, कहने लगी, अरे सखी ये मेरा बच्चा नहीं है, मेरा बच्चा नहीं, कृष्ण नहीं है, ये तो लगता है मैं पहचानती हूँ तुम्हारा बच्चा है। तो वो कहती है, देखती नहीं है, कहती अरे तुम अपने बेटे का पक्ष लेने लगी, तुम्हारा बच्चा है, पकड़ कर लाए हूँ।
मैं यशोदा कहते हैं तुम्हारी आंख फूट गई है क्या, दिखाई नहीं पड़ती, देखो तो वो झक मारते गोपी को जो अपने ही बच्चे को पकड़ कर लाए, और कृष्ण बगल से छिप कर गोपी पर देख कर कह रहे थे अच्छा चतुर बल थी। तो इस प्रकार की लीलाओं को देखने की लालसा है, न कि भगवान को कोई दुख है और ये है वो है, उससे उनको गाय चराना जाना पड़ेगा या माखन चोरी का अभियोग लगेगा। अपने मन में नाना प्रकार की बातें सोच रहे, इसके कारण नहीं आ रहे, इसके कारण नहीं आ रहे, इसके कारण नहीं आ रहे। कभी कभी राधा रानी के पास गोपियां जाती थी, तुम्हारे कारण नहीं आते, तुम मान करती हो तो मानती ही नहीं, तुम्हारे चलते हुए नहीं आ रहे हैं, अब से शपथ करो कि मान नहीं करूंगी। तो राधा रानी रो कर कहते सखी कोई भी शपथ करते हूँ कि अब मान नहीं करूंगी, एक बार उनको बुला दो। तो कभी यशोदा से कहते हैं तुम क्यों उखल में बांधी, यशोदा जी रोड कर कहती थी कि तुम ही लोग तो बताती थी मेरे पुत्र की आदत बिगड़ती जा रही थी, चोर बन रहा था तो मैं बांध दी। प्रतिदिन 24 घंटे कृष्ण की ही वार्ता चलती थी, उद्धव जी के जाने पर तो और विशेष बात हो गई। तो गोपियां सोच रही है कि सुने भवन में, कृष्ण ये सोच रहे हैं कि सुने भवन में जब मैं शून्य भवन, शून्य भवन का अर्थ है जब कोई घर में ना, बच्चे रहते हैं फिर भी वो सोए रहते हैं तो शून्य भवन, तो शून्य भवन में जब मैं जाकर चुराऊंगा दही और माखन तो पकड़ी यशोदा पैर ले जाई है, पकड़कर यशोदा के पास ले जाएंगे और वो भी गाते नाचते हैं। ग्वालिन मोही बहुरी बांधेगी केते बचन लग बांधेंगी, बहुवचन में फिर सब ग्वालिन मुझे मिल करके बांधेंगी, जो मुझे उखल में बांधा गया था उसे फिर बांधेंगी। तो बांधा था तो यशोदा ने, तो बहुवचन में क्यों बोल रहे हैं भगवान, तो बांधने में गोपियों ने रस्सी दिया था जुटा जुटा कर अपने अपने घर से, वो रस्सी घट रही थी तो माँ यशोदा डांट रही थी क्यों खड़ी खड़ी देख रही हो, लाओ अपने घर की रस्सी, तो रानी थी आज्ञा पाते हुए ला करके देती थी, और कृष्ण देख रहे थे रो रहे थे। तो वही याद आज ये सोच रहे उनको याद हो गए कि वो सब मुझको बांधने में मदद की थी, कौन इस तरह से बंधन सहे जा करके वहां जहाँ कोई कदर नहीं, खाने पीने में भी जहाँ बाधा है, नींद लेने में भी बाधा है, उस स्थान पर क्यों जाऊंगा जहाँ भोजन और नींद ही नहीं मिल रहा है, तो क्या जाकर करूंगा। ग्वालिनी मोही बहुरी बांधेगी केते बचन लगा, अरे बाप रे, केवल बंधन ही होता तो अभी चलो सहल तक, कितनी कितनी बातें लगा करके, यह किया है वह किया है, पनघट पर उस घाट को पिछल कर दिया है, मेरा पैर छलक गया, मैं गिर पड़ी, मेरा वस्त्र फाड़ दिया, मेरा मटकी फाड़ दिया, मेरा ये किया, मुझको गाली दिया, मुझको भाभी कहा, मुझको ये कहा, मुझको ये कहा। गिरधर ने मोही गाली दई रे मोरी, मोही भाभी कही मत सहयो न जाए। और कहीं भी कृष्ण किसी को भी, मतलब जो संबंध में इस तरह की लगती थी ब्रज में गोपियां, उनको भाभी कह देते थे, और किसी किसी गोपी से कहते थे कि मैं एक ज्योतिष से दिखवाया हूं कि मेरा विवाह तुम्हारे साथ होगा। बिल्कुल छोटा बच्चा था तभी हमारे हाथ में ऐसी रेखा पड़ी है, नाना प्रकार की बातें भगवान बनाते, इसे रस का पोषण और संबंध का पोषण बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था। और वे तो व्रत कर रही थी कृष्ण को अपने पति रूप में पाने के लिए, माया जी की सेवा कर रही थी, कात्यायनी देवी की व्रत कर रही थी इस तरह से। तो केते वचन का अर्थ ये है कि मां यशोदा के पास जाती थी तो कहती थी गोपियां, वास्तव में कृष्ण का उत्तर सुनने के लिए माँ यशोदा से कहती थी, यह कहा है, ऐसे कहा है, ये कहा है, वो कहा है, बरजा यशोदा मैया अपना ललन के नात लाग जाए झगड़ा बरियार। काहे को झगड़ा लगने जाए, रोज झगड़ा रहता था, बस केते वचन लगाए कितना कितना कह करके हमको वे लोग बंधवाए,
बांधा जाता है उसको जो अपराधी होता है, कृष्ण अपराध किए थे, इसे सिद्ध होता है कि भगवान ये सोचेंगे, गोपियां जैसे सोच रही हैं कि जसोदा ने बांधा था तो जसोदा का बांधना तो सह लेगा, सोचेगा कि माँ है हमारी, या कृष्ण ये भी सोचे होंगे कि माँ ने नहीं बांधा, जब कई महीनों से शिकायत किया इन लोगों ने तब उसके मन में बांधने को आ गए, नहीं तो अपने घर का मटका केवल फोड़ा होता तो नहीं बांधी होती, बहुत महीनों से वर्षों से सुन चुकी थी कि ऐसा किया ऐसा किया, इस कारण से मुझे माँ जसोदा ने बांधा था, तो वास्तव में मेरी माँ ने मुझे नहीं बांधा था, बांधा था इन लोगों ने, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा ब्रज। ग्वालिनी मोही बहुरी बांधेंगी केते बचन लगाए, एते दुखन सुमिरी सुरमन बहुरी सहय को जाए। तो उद्धव जी जो योग का उपदेश दे रहे हैं ब्रह्म के चिंतन भजन का, उसका एक उत्तर देते हुए गोपियां कहती हैं, जिस हृदय में सांवरे की छवि बसी हुई है वहां और भी बात कैसे अच्छी लग सकती है। घनानंद जी कहते जाके ऊर बसी रस मसी छवि सांवरे की, जाके ऊर बसी रस जाके ऊर बसी रस मसी छवि सांवरे की, जाके ऊर बसी रस मसी छवि सांवरे की, ताही और बात नी की कैसे करी लागी है, ताही और बात नी की कैसे करी लागी है। जिसके हृदय में सांवरे कृष्ण की रसमयी छवि बसी है उसको और बात कैसे नीकी लग सकती है। और चखनी चषक पूरी पियो जिन रूप रस, चखनी मैंने आंखों के, चषक मैंने प्याला, आंखों के प्याला में भर करके उस रूप रस को जिन लोगों ने पिया है तो कैसे सो गरल सनी सिखनी सो पागी है, वो बीस से सनी हुई शिक्षा में कैसे पग आसक्त हो सकती है। और आनंद को घन श्याम सुंदर सजल अंग, जो आनंद के घन है श्याम सुंदर सरस अंग, ऐसे बादल को घन श्याम को छोड़कर कौन धुंध के धुआं से अनुराग करेगा। धूम धुंधर ही देखते हैं, धुआं उठता है कभी कभी, चाहिए धुंध है तो धुआं कभी 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 बादल हो जाता है, तो धुआं के बादल से कौन प्रेम कर गया, अथवा धुंध धुंध भोजपुरी शब्द है, ये जो पड़ रहा है हम लोग कहते हैं धुंध पड़ रहा है, हाँ तो इसको धुंध कहते हैं ब्रजभाषा में, धुंध कहते हैं। तो जो चातक ये जो पक्षी घनश्याम बरसने वाले बादल का जल पिया है देखा है उसके द्वारा सींचा गया है, ये धुंध से वो प्रेम करेगा, इससे क्या खेत की सिंचाई हो जाएगी बताइए। कोई गेहूं बोया है और सोचे कि हमारा खेत पट जाएगा बस इसी धुंध के बादल से, इसे अनुराग नहीं कर सकता है। जो व्यक्ति भगवान कृष्ण के रसीले स्वरूप में फंस चुका है उसको और कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। और ये तो नैन वाही के बदन हेरे सिरे होत, ये हमारी आंखें तो उनके ही मुख को देख करके ठंडी होती हैं, और बात आली सब लागत जो आग है, और ये ब्रह्म ज्ञान की बात सखी ऐसे लग रही जैसे आग, या कोई भी बात दूसरी आग जैसी लग रही है, बस केवल कृष्ण को देखना ही हमको ठंडा कर सकता है और बाकी सब आग है। जाके ऊर बसी रस मसी छवि सांवरे की, जाके ऊर बसी रस मसी छवि सांवरे की, ताही और बात नी की कैसे करी लगी है, ताही और बात नी की कैसे करी
खनी चषक पूरी, पूरी मैंने भर करके, चषक मैंने प्याला या कटोरी, चखनी मैंने आंख, चखनी चषक पूरी पियो जी न रूप रस, 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 कैसे सो गरल सनी सीखनी सो पागी है, कैसे सो गरल सनी सीखनी सो पागी है। सरल शनि का अर्थ होता है विष से सिक्त शनि, विष से शनि ही शिक्षा को कैसे सुनेगा देखेगा, कैसे सो गरल शनि सीखनी सो पागी है, कैसे सो गरल शनि सीखनी सो पागी है। कृष्ण की भक्ति पंथ के अलावा और सब कुछ विष है, जहर है, कौन इसमें अनुराग करेगा। जिसका कृष्ण में अनुराग नहीं हुआ है, जो कृष्ण के रूप को नहीं देखा, वही भले दूसरे तरफ फंस जाए। गोपियों का चित कहां से जा सकता है, सामान्य भक्तों का भी चित दूसरे तरफ नहीं जा सकता है। कैसे सो गरल सनी सीखनी सो पागी है, कैसे सो गरल सनी सीखनी सो पागी है, आनंद को घन श्याम सुंदर सजल रंग, 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 साड़ी धूम धुंधरी सो कैसे को रागी है, साड़ी धूम धुंधरी सो कैसे को रागी है, ये तो नैन वाही को बदन है रे सिर होत, ये तो नैन वाही को बदन है हेरे माने देख करके, जो कृष्ण का मुख देखते हैं तब नयन ठंडा होते हैं, नहीं तो इनके लिए और सब कुछ आग। ये तो नयन वाही को बदन है रे सिर होत, और बात वाली सब लागती जो आगी है, और बात वाली सब लागती जो आगी है, और बात वाली सब लागती जो आगी है। कारुण करगुर कटाक्ष निरीक्षण न तारुण संबलित सही सब गई धरे न, आपूष्णता भुवन मद्भुत विभ्रमेण श्री कृष्ण चंद्र शिशिर कुरुलोचन, श्री कृष्ण चंद्र शिशिर कुरुलोचन। हे कृष्ण चंद्र, हे चंद्रमा, हे काला चांद, आप हमारे नेत्र को कब ठंडा करेंगे, ये जल रहे हैं आपको देखे बिना। श्री कृष्ण चंद्र शिशिरी कुरुलोचन में, कैसे करें आप करुणा से भरे हुए कमल सरीखे नेत्रों के कटाक्ष से देखकर और तरुणाई से मढ़े हुए सैसव के वैभव से, मतलब किशोर अवस्था की लीला द्वारा भुवन को जो आप पोषते हैं, आपके सौंदर्य माधुर्य से सारा जगत पुलकित होता है, पोषा जाता है, ऐसे अद्भुत लीला द्वारा, मंद मुस्कान द्वारा, अपनी चाल द्वारा, अपने स्वरूप द्वारा, श्री विग्रह द्वारा, हे कृष्ण चंद्र, कब हमारे लोचन को आप सिसिरी करेंगे,
मतलब शीतल करेंगे। इस तरह अनेक अनेक प्रकार से विलाप कर रही हैं, रो रही हैं। और जब अन्य गोपियां इस तरह से विलाप कर रही थी, रो रही थी, तो राधा रानी उस समय मान करके बैठ गई थी। राधा रानी ने सुना कि हमारे प्रियतम के दूत आए हैं, तो यह सुनते ही मान हो गए, दूत के आने पर मान कर लिए। सुनते ही उद्धव जी ने देखा कि एक गोपी वहां बैठी हुई है, कुछ बड़बड़ा रही है, बक रही है, मान मुद्रा में थी। उस महान विरह में भी किस तरह मान का होना यह प्रेम की अति प्रगाढ़ अवस्था का सूचक है। अगर मान लीला का एक पद गा लिया जाए, ललिता विशाखा या कोई भी सखी राधा रानी को मना रही है, उस समय जब श्री कृष्ण ब्रज में थे, हाहा करी हारी, प्रियतम श्री कृष्ण हाहा करके हार कर चले गए। ये बैठे हैं इधर, ये मैं हार गई, हाहा करी हारी पर न निहारी रुखिये महारी। तुम तो इतना रुष्ट हो गई है, इतना रुखी हो गई हो कि तुमने देखा तक नहीं कौन मना रहा है। राधा रानी मान करके रात्रि के समय बैठी है, जो कह रही मोहू से चिन्हारी माने तनको नहीं कहूं। अरे ठीक है, कृष्ण तुम्हारे साथ धोखा दिए है, तुमको दुख दिए हैं, हमसे भी चिन्हारी नहीं है क्या तुम्हारी? हमसे पहचान है ना, मैं तुम्हारी प्राण सखी हूँ, तुमको कृष्ण से मिलाती हूँ, तुम्हारी सेवा करती हूँ। तो मोहू से चिन्हारी माने तनको नहीं कहूं, हमसे भी तनिक भी परिचय नहीं मान रही है, लगता है कि मैं पराई हूँ, कभी भेंट ही नहीं हुई है। साधिक समाधि से आराधती है काहे दैया, हाय हाय, ये समाधि जैसा साध करके चुपचाप बैठ कर क्या कर रही है, लगता है कोई आराधना कर रही है। और भगवान बैठे हैं बगल में, वो हार गए थे मना करके, राधा रानी नहीं मानी। और ही पकड़ अति निठुर करे न हो, ये तो अपना और पकड़ करके बैठी है, इतना निठुर हो गई है कि हूं भी नहीं कहती, करे न हूं। जैसे मान लीजिए ललिता जी मना रही है, तो राधा रानी कहती है हूं नहीं मानी, ऐसा भी नहीं कर रही है। और दिन तो हूं करती ही थी, आज तो बिल्कुल ऐसे पड़ गई। वो प्राणपति आरती जो जाने तो सुजान प्यारी, नाम न धरइये नाम ऐसी हो कहा, ऐसा कहा करके, ऐसा कर्म करके तुम्हारा नाम सुज्ञान है, सुजान है। राका निशी आली ब्याली भई घने आनंद को, ये रात राका निशी पूर्णिमा की रात घनश्याम के लिए, कृष्ण के लिए ये ब्याली हो गई, सर्पिणी जैसी लग रही है रात। ओहो, अब तक मान करके बैठी है, अरे अभी तुरंत सवेरा हो जाएगा, फिर अपने घर रोते हुए जाओगी, कुंज में बैठे हैं अभी भी मिल लो। हाय हाय, ढरी चलो चंदा पहन ढरी चंद्रमुख हूँ, चंद्रमा ढल गया पश्चिम दिशा में लेकिन चंद्रमुख नहीं ढला, मतलब द्रवित नहीं हुआ। अरे अभी भी मुस्काओ हंसो कृष्ण से मिलो, क्या ऐसे मान करके बैठी। हमको ये वाक्य बहुत पसंद पड़ा कि ढरी चलो चंदा पहन ढरी चंद्रमुख, चंद्रमा ढल गया रात भर मनाते मनाते, मतलब रात बीत गई लेकिन तुम्हारा मुख चंद्र नहीं ढला, मतलब द्रवित नहीं हुआ। हा हा करी हारी नैनी हारी रुखी ये महारी, हा हा करी हारी नैनी हारी हाहा करी हारी नानी हारी रुखी है महारी, हाहा करी हारी नानी हारी रुखी है महारी। मोह सो चिन्हारी माने तन को नहीं कहूँ, मोह सो चिन्हारी माने तन को नहीं साधी के समाधि सी आराधती है काही दैया, साधी के समाधि सी आराधती है काही दैया।
अरही पकड़ी अति मिठुर कर नहू प्राणपति आरती जो जान तो सुजान प्यारी प्राणपति आरती जो जान तो सुजान प्यारी नाम न धरिए नाम ऐसी कहायरी राकनी सियाली बाली भरी घन आनंद को धरी चलो चंद पैन धरी चंद मुख हूँ धरी चलो चंद पैन धरी चंद मुख हूँ रकनी सियाली ब्याली भई घन आनंद को धरी चलो चंद पैन धरी चंद मुख हूँ धरी चलो चंद पैन धरी चंद मुख हूँ। भरतेन्दु हरिश्चंद्र जी कहते हैं पियरूसी बेलायक हो यजरूसनो वाही सोचाही मान किए। अगर प्रियतम रूसने लायक हो तो उससे रूसना चाहिए, कोई गलती कर रहा हो और उसी से मान करना चाहिए। हरी चंद तो दास सदा दिन मोल को बोले सदा रुख तेरो लिए रहे तेरे सुख सुखी नित ही मुख तेरो ही प्यारी बिलो कीजिए इतने हूँ पे जाने न क्यों तू रहे सदपि अशुभतने लिखिए। कि तुम्हारी आँख हमेशा चढ़ी रहती जब देखो तब उनसे प्रेम से बोलती हो न बात करती कुछ नहीं हमेशा तुम्हारी भाव तनेनी ही रहती के अवसर पर जो वचन बोला जाता है उसके लिए आस्वादक है परम रसिक है। प्रिया यदि मान करी करे भर्षण वेद स्तुति है ते सही हरे मोर मान। तो भगवान राधा रानी को मना रहे थे एक बार नहीं मानी तो कहते हैं इतना परिश्रम तुमने क्या क्या किया कभी नहीं हुआ जितना तुमको मान बनाने में परिश्रम लगा। सूरदास जी का ही पद इतो श्रम नाही न तदहू भयो इतो श्रम नाही न तदहू तब हूँ का अर्थ तब भी उस समय भी इतना परिश्रम नहीं मुझे पड़ा था। कब कब सुनु राधिका जित श्रम मोको सुन राधिका श्रम मोको तै ही मान दयो सुन राधिका इस मान में जो तुमने मैं मुझको परिश्रम कराया इतना मैं मेहनत किया ऐसा मेहनत तो मुझे उस समय भी नहीं पड़ा था। कब धरनी धरी विधि वेद उधारो धरनी धरी मैं 12 रूप धारण करके पृथ्वी को टांगा था परंतु उस समय भी इतनी मेहनत नहीं पड़ी थी। आसानी से हंसते हुए खेलते हुए मैं ला दिया दांत पर उठाकर और वेद का उद्धार किया कैटव असुर को मार करके और मधु दैत्य का वध किया। कितना बड़ा युद्ध हुआ क्या क्या किया लेकिन उस समय भी इतना परिश्रम नहीं पड़ा। इतो श्रम नाही न तबहु भय इतो श्रम नाही न तबहु भय सुन राधिका जित श्रम मोक सुन राधिका जित श्रम मोक
तै यही मान दयो तै यही मान दयो धरनी धरी विधि वेद उधार्यो धरनी धरी विधि वेद उधार्यो धरनी धरी मधुसो शत्रु हयो मधुसो शत्रु हयो द्विज नृप कियो दुसह दुख मेटे द्विज नृप कियो ए बलि को राज लयो बलि को राज लयो इत श्रम नाहीन तबहु भयो इत श्रम नाहीन तबहु भयो पृथ्वी का उद्धार किया। बहुत भारी वजन है न पृथ्वी में और इस संपूर्ण भूमंडल को भगवान ने अपने दांतों पर उठाया। इनको कहते उस समय भी परिश्रम नहीं हुआ और वेद विधि उधर ब्रह्मा जी को बचाया और वेद को बचाया प्रलयकालीन जल में तैर करके मधु दैत्य को और कैटर को मार करके बचाया। परंतु उनको मारने में बचाने में पानी में भी मुझको इतना परिश्रम नहीं पड़ा था जितना तुमको मनाने में परिश्रम पड़ रहा था। बीजेंद्र पक्षियों एक मैं ब्राह्मणों को राज्य दिया परशुराम अवतार लेकर को राज लयो बलि महाराज का राज ले लिया। झूठ बोला क्या कहा नाटक किया सारे संसार में दौड़ा नापा भूमंडल को लेकिन उस समय भी इतना परिश्रम नहीं आसानी से ले लिया। तू तो बेचारे बलि महाराज तो अपने आप देने के लिए उत्सुक तो छल करना था लेने में बड़ा परिश्रम था लेकिन फिर भी आसानी से ले लिया उससे परिश्रम नहीं था। तोर्योधन स स्वयंवर कीनो तोर्योधन स स्वयंवर कीनो रावण अजित जयो रावण अजित जयो अघ बक बच्छय अरिष्ट के सिमथी अघ बक बच्छय अति दावा नलय चयो दावा नलय चयो इत श्रम नाही न तबहु भयो इत श्रम नाही न तबहु भयो। धनुष तोड़ा शिव जी का जनकपुर में लेकिन उस समय भी कोई परिश्रम नहीं हुआ। धनुष तोड़ा स्वयंवर किया रावण जैसा अजय वीर को भी जीत लिया मारा और समुद्र पर पुल बनाया सेतु बनाया क्या क्या किया लेकिन इतना परिश्रम नहीं पड़ा। और अघासुर बकासुर वत्सासुर अरिष्टासुर केसी सबको मार करके दवानल पिया आग पी गया लेकिन फिर भी इतना परिश्रम नहीं पड़ा जितना परिश्रम तुमको मनाने में पड़ गया इतव श्रम ना ही तब है। और तो और यहां तक कि मैं स्त्री का रूप धारण करके क्या क्या किया देवताओं को अमृत पिलाया मंदराचल को पीठ पर धारण किया समुद्र मंथन किया लेकिन इतना परिश्रम नहीं पड़ा। तीये बपु धरयो असुर सुर मोहे तीये बपु धरयो को जग जो न द्रयो को जग जो न कौन संसार में ऐसा था जो मेरे स्त्री रूप को देख करके द्रवित नहीं हो गया। भगवान शिव भी हमारे फेर में पड़ गए मैं स्त्री तक बना बहुत नीचे उतर कर परिश्रम किया। पिए बप धरयो असुर सुर मोहे देवता और असुर सबको मोहित किया को कौन है संसार में जो हमारे उस रूप से द्रवित नहीं हो गया। मोहिनी अवतार धारण किया समुद्र मंथन में और गुरु सुत मृतक जाय बे कारण गुरु सुत मृतक जाय बे कारण
कारण सागर शोध लया सागर शोध लया। गुरु के मरे हुए पुत्र को लाया और पूरा समुद्र ढूंढ डाला बच्चे को खोजने के लिए, फिर भी इतना परिश्रम नहीं हुआ। गुरु सुत मृतक जाय बे कारण, गुरु सुत मृतक सागर शोध लया सागर शोध इतो श्रम नाही न तब भयो, जानो नहीं कहाया रस में जानो नहीं सहज ही होते नयो सहज ही सूर सुबल अब तो ही मनावत सूर सुबल अब तो ही मोहि सब बिसरी गयो मोहि सब बिसरी गयो इतो श्रम नाही न तब हूँ भयो इतो श्रम नाही न तब हूँ भयो। जब इतना परिश्रम पड़ रहा है तो अब मत मनाइए। तब कहते हैं जानो नहीं कहा या रस में सहज ही होत नयो, ये मान मनाने में ऐसा रस मिलता है कि ये रस नित्य नया नया होता रहता है, पता नहीं कौन सा दिव्य रस है। और जहां तक बल की बात है तुमको मनाने की, वो तो सारा बल हमारा बिसर गया। मान में क्या रस है भगवान अपने मुख से कहते हैं घनानंद जी के शब्दों में, तेरी आन माननी मेरे मान मानी रही, तेरी आन माननी मेरे मान मानी रही, लोचना निहारे हेरी सोहना निहारी दो, लोचना निहारे हेरी सोहना निहारी दो, कोरी कोरी आदर को कर तो निरादर है, कोरी कोरी सुधाते मधुर महा झुकी झिझकारी दो, सुधाते मधुर महा झुकी झिझकारी दो, दीवाना को जारी घन आनंद सुजान प्यारी, जीवन को जारी घन आनंद सुजान प्यारी, जीव जीती लाहो लहे तेरे हथियारी वो, जीव जीती लाहो लहे तेरे हथियारी वो, रुखी बातनी सरस सने सूठी, रुखी रुखी सरस सने सूठी, ये ते करन ये अनखी कर टारी वो, ये ते करन तर न ये अनखी कर टारी वो, ये ते कर न ये अनखी कर टारी वो।